स्ट्रक्चर एंड पैथोजेनेसिटी ऑफ वायरस। तो पहला हम लोग इसका बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, इसका बात करते हैं स्ट्रक्चर। आपने नाम सुना होगा जीपी, आके ना। अगर इसमें हम लोग बात कर रहे हैं रेट्रो वायरस, एनिमल के वायरस को क्या बोलते हैं? अरे एनिमल वायरस को क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस बोलते हैं, ठीक है ना। लेंटी वायरस जीनस नाम होता है इसका, क्लियर। एंड फैमिली का नाम क्या होता है इसका? रेट्रो वायरी विरिडी, ये फैमिली का नाम है। चाहो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बताना जरूरी है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इनके जो कोर होते हैं, मतलब इनके जो सेंटर होता है, इट हैज टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्लियर। कोर हैज टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्लियर है। इनके पास एंजाइम्स भी होगा, यस और नो? अरे एंजाइम्स होगा कि नहीं होगा? एंजाइम में पहला क्या होना चाहिए बताओ? अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये होना चाहिए कि नहीं बताओ? ताकि आगे क्यों ऐसा होना चाहिए? वो हमारे से डीएनए, डीएनए में कन्वर्ट करे और हमारे आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्लियर। प्रोटीज होगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, यस और नो? एक होता है इंटीग्रेज, जो कि इंटीग्रेट कर सकता हो। कोई दिक्कत है? अगर इसका हम लोग कोर के बारे में बात करें, आके ना, कोर मतलब इसका जिसका आउटर कवरिंग होगा, जिसका कवरिंग होगा। तो बेसिकली कोर हैज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। तो हम लोग पहला पार्ट के बारे में बात करेंगे, पहला बात करेंगे इनर प्रोटीन कोर। क्या बात करेंगे? इनर प्रोटीन कोर, इनको बोलते हैं P24, क्लियर है। इनर वाले कोड को क्या बोलते हैं? P24। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? आउटर प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं? P17। अरे बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ूं? इसका जो इनवेलप बना होता है, आर्यन समझ में आ रहा है क्या? इनवेलप इज मेड ऑफ, आपने नाम सुना होगा जीपी का, सुना है एलपी जीपी? अरे बोलो ना। हाँ, एलपी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, एलपी एलपी लिपोप्रोटीन लिपोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन। जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना इसके बारे में, जब मैं देखा था कि जीपी, ये जीपी क्या होता है, तो फिर सोचता गया सोचता गया सोचता गया, तो बाद में पढ़ने के बाद मालूम चला कि जीपी क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो बताने वाला कोई रहेगा तभी तो बताएगा ना, एंड ऑल दीज थिंग्स मैं खुद से जानता हूँ, ठीक है। जीपी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, आके ना। और ग्लाइकोप्रोटीन में इनके पास दो होती है, एक लिपोप्रोटीन एंड कंटेंस। देखो मैंने क्या बोला, इनवेलप किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से, और उसमें क्या होता है? इट कंटेंस ग्लाइकोप्रोटीन, आके ना। इसमें ऐसा लिख लीजिए एंड
ऐसा लिखे इसमें करके, एंड कंटेंस लिख दिया था सर, कट कर दो, कंटेंस ग्लाइकोप्रोटीन, नाम क्या है GP120 एंड GP41, GP120 एंड GP41, बात समझ में आई? अच्छा, हम लोगों ने कुछ CD सेल्स के बारे में पढ़ा था क्या? CD सेल्स के बारे में पढ़ा था? कुछ हम लोगों ने CD सेल्स के बारे में पढ़ा था कि नहीं, बोलो? याद नहीं आ रहा है। नहीं है। जो अपने पास मैक्रोफेज होती है ना, उनके मैंने बताया था कि हर सेल के सरफेस में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, अरे तभी तो बाइंड करेगा ना। अगर वायरस अगर आता है अपने बॉडी में तो सेल के साथ वो कैसे मिलता है, कैसे अटैचमेंट होती है? तो इट हैज सम रिसेप्टर फॉर द रिसीविंग ऑफ सेल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CD4 बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? ये जो आपके पास GP120 है, ये तो वायरस में मिलेगा, हाँ कि ना? हैज कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, हाँ कि ना? Yes, sir. कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू CD4, और CD4 क्या है, ये रिसेप्टर है। CD4 के बारे में कुछ जानना चाहोगे आप लोग? हाँ सर। क्या आप बताओगे ना क्या होता है? मैं तो आपको बता दिया कि रिसेप्टर होता है। कुछ इसके अलावा कुछ और जानना चाहेंगे? यस सर। अच्छा, क्या जानना चाहेंगे? किससे बाइंड करता होगा, कहाँ पे मिलता है? CD4 बेसिकली क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ को रिसेप्टर होता है, हाँ कि ना? मतलब CD का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, हाँ कि ना, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करता है, एंड दे आर एक्ट एज को रिसेप्टर, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन मोनोसाइट्स। बात समझ में आई? मोनोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेज में प्रेजेंट होता है। हाँ, देख, मान लो V4 वायरस है, इनके पास GP24, ठीक है, बाइंड करने वाली सब्सटेंस है। अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, सब और क्लियर हो जाएगा। और ये RP का बॉडी है, उनपे से मैंने क्या मंगाया, मैक्रोफेज मंगाया, या फिर मैंने क्या मंगाया, मोनोसाइट्स मंगाया, या फिर मैंने क्या मंगाया, टी हेल्पर सेल। अब ये वायरस अंदर जाएगा तो कोई पब्लिक प्लेस तो है नहीं, तो कोई भी चला जाएगा, हाँ कि ना? तो इनको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो यहाँ पर रिसेप्टर होता है CD4, ये इन दोनों से तो बाइंड करता है। वायरस को बाइंड करने के लिए, हाँ, वायरस से इंटरैक्ट करने के लिए CD4 रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है जो GP24, मैंने क्या बोला कि कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, बेस पेयरिंग तो होना बनता है, मतलब बाइंड होना तो बनता है, अरे मांगता है कि नहीं मांगता? हाँ। तो इस तरीके से ये वायरस अपने बॉडी पे काम करता और अटैच करता, मतलब हमारे पास उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे तो वो बाइंड कर लेगा। देखो, हर सेल के सरफेस में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हाँ कि ना? ये GP120 उससे उस CD4 से बाइंड करता है। हाँ सर, समझा। मतलब वायरस सेल्स को मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए, जरूरी नहीं कि मारने के लिए, इनका काम है रिसेप्टर। हाँ, बाइंड ये है क्या, रिसेप्टर, ये रिसीव करेगा, अब रिसीव करने के लिए कोई भी आ सकता है, बट मैक्रोफेज तो किल करने की कोशिश करेगा। अब सुनो, तो ये तो उसी को हेल्प, देख, अपने RNA के और अपने RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू DNA बना लेता है, हाँ कि ना? तो जो पता है कैसा काम करता है, मान लो आपके ग्रुप में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वो उसी को पहले हमला करता है, बाकी तो ऑब्वियसली हार जाएगा ना। हाँ, हेल्पर सेल है, मैक्रोफेज है, पहले इसी को डिस्ट्रॉय करता है, समझा? और एक बार जब उसकी मशीनरी को हैक कर लिया तो जितने भी आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए या अरबों रुपए हैं वो सब निकाल लेगा, तो उसके हेल्प से वो हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई होता है। हाँ,
और उस टाइम वो राइबोसोम क्या बोलते हैं उसको, मैक्रोफेज क्या बन जाता है, एचआईवी। मैंने पहले लिखाया था एचआईवी फैक्ट्री के तौर पे काम करता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। सो तो हेल्पर सेल्स होता है ना जो एचआईवी फैक्ट्री होते हैं। हाँ, तो इन सबको किल करता है, और जब हैक कर लेगा तो अपने हिसाब से वो, उनका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब लेकिन उसे भूल जाता है कि हम एचआईवी सेल्स का प्रोटीन बना रहे हैं। बात समझ में आती है क्या? उनका सिर्फ उनको ऑर्डर मिलना चाहिए। अब ऑर्डर उसको वायरस दे या अपने सेल्स दे, क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ कि ना। यहाँ पर ये जो मैक्रोफेज है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं। क्लियर? एचआईवी फैक्ट्री एंड हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल्स। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। जीपी का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, सीडी, सीडी का मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिकली ये ग्लाइकोप्रोटीन से रिलेटेड होता है, और ये क्या होता है, को रिसेप्टर होता है। मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़ूं? Yes। एक डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए? डायग्राम। जीपी 120, और जो इसके नीचे वाला है ना इसको बोलते हैं जीपी 41। याद रहेगा जीपी 120 एंड जीपी 41। और ये सब जो है ना, ये सब क्या है, लिपिड का लेयर है। किसका लेयर है? लिपिड का लेयर है, आगे ना, वो भी बाई लेयर वाला। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं P17। क्या बोलते हैं इसको? P17 बोलते हैं। क्लियर है ना? अगर हम लोग इसका अगर ये बात करें, ये जो तीन इसके पास है, ये जो तीन है ना, बेसिकली यही तो इसका क्या है, इनवेलप है। क्या है? इनवेलप। कोई दिक्कत? अगला है आपके पास P17, और ये वाला है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, P24 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P24। ये वाला है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर है? ये है आपके पास इंटीग्रेज। क्या है? इंटीग्रेज। ये वाला आपके पास क्या है, प्रोटीएज। ये सारा एंजाइम तो अंदर प्रेजेंट होगा ना। और ये वाला क्या है आपके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बात समझ में आई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कोई दिक्कत? नो सर। और ये वाला जो आपके पास है P17 एंड P24, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कैप्सिड और कैप्सोमियर, आगे ना। हाँ। ये रहा आपका वायरस का स्ट्रक्चर। क्लियर? लिखा गया? सर एक मिनट, लेबल नहीं हुआ आपका। जल्दी करो।
हो गया